अच्छा जी, तो हमारा जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने सूरह अनफाल के जो रुकू नंबर 6 और 7 था उसको हमने डिस्कस किया था, ऐसा ही हुआ था? यस सर। ठीक है, तो आज जो है हमारा टॉपिक जो नया चैप्टर है इल्म की फर्जियत और फजीलत, इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो हमारा पहला टॉपिक है इल्म की फजीलत और अहमियत। तो जनाब, इल्म के हवाले से हम जानते हैं कि भाई इल्म के जो मायने हैं वो है जानना या किसी चीज से आगाह होना। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर बेहद एहसानात किए हैं, जिनमें से एक एहसान इल्म है जो उसने अपने बंदों को अता किया। इल्म की फजीलत और उस्मत मजहब इस्लाम में जितनी ज्यादा की गई है उतनी मिसाल किसी और मजहब में हमें नहीं मिलती। कुरान करीम की तकरीबन 78,000 अल्फाज में से सबसे पहले लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल फरमाया वो इकरा है, यानी पढ़िए। और कुरान पाक की 6,000 आयतों में सबसे पहले जो 5 आयत नाजिल फरमाई गई थी उनमें भी कलम की अहमियत और इल्म की अजमत जाहिर होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद हुआ कि इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम, यानी पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, और पढ़िए और जानिए कि आपका रब करीम है जिसने इल्म सिखाया कलम के जरिए, सिखाया आदमी को जो वो नहीं जानता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही का आगाज ही जिस चीज से किया था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसान को जिस तरफ तवज्जो दिलाई थी वो लिखना पढ़ना और तालीम और तरबियत के जौहर थे। यानी इस हकीकत को वाज़े कर देना दिलचस्पी से खाली नहीं है कि जहां आम इंसानों के लिए कलम हुसूल इल्म का एक दुनियावी जरिया है, वही रहमतुल्लिल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान जिब्रील अमीन जो कि एक नूरानी और मलकूती वास्ता है, यही वो फरिश्ते हैं कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुसूल इल्म के जराए से बेनियाज किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत बराह रास्त खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई, जिसकी तशरीह कलाम पाक में इन अल्फाज में मौजूद है। ये दूसरी लाइन में देखें आयात का तर्जुमा लिखा है अनज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमता वअल्लमका मा लम तकुन तालम, कि यानी और उतारी अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत और आपको सिखाई वो बातें जो आप जानते न थे। तो इल्म और हिकमत और दीन और दानाई का दर्जा और इल्म वालों का रुतबा इस्लाम में किस कदर बुलंद है इस बात का अंदाजा कुरान मजीद की एक और आयत के अंदर होता है, जिसका तर्जुमा यह है कि युतिल हिकमता मन यशाउ व मन युतल हिकमता फकत उती खैरन कसीरा, यानी अल्लाह जिसे चाहता है अकल और दानाई की बातें मरहमत फरमाता है यानी अता फरमाता है, और जिसे अल्लाह ताला अकल और दानाई की बातें बख्शता है उसे बहुत बड़ी नेमत अता करता है। तो इसी तरह एक और आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि यरफ़ाउल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, यानी और अल्लाह तुम में से उन लोगों के दर्जे बुलंद कर देगा जो ईमान लाए और जिन्होंने इल्म हासिल किया। तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
متعدد موقعوں پر اور مختلف ذریعوں سے علم و حکمت کی ترغیب دی. آپ نے علم کی اہمیت پہ زور دیا. جیسے مثال کے طور پہ کچھ احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں کہ سب سے پہلی حدیث تو آپ نے فرمایا کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، جو کہ ہمارے کورس کے اندر بھی شامل ہے کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکلا وہ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے وطن واپس نہ لوٹ جائے. یعنی اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے، اتنا بڑا اس کا مرتبہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی برتری، یعنی ایک عالم کا مرتبہ ایک عبادت گزار عام سے عبادت گزار بندے پر ایسا ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی ہر شے، یہاں تک کہ بلوں میں موجود چونٹیاں، سمندر کی مچھلیاں، یہ سب علم سکھانے والوں کرتی ہیں. کیونکہ خیر و خیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حقیقی علم جو ہے وہ کس کا ہے؟ قرآن کا ہے. اسی لیے رب العالمین فرماتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو کہ علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اب تعلیم کے حوالے سے، یعنی علم کے حوالے سے قرآن مجید کا کیا نظریہ ہے، قرآن مجید نے علم کی اہمیت کو کس طرح سے اجاگر کیا ہے؟ اب جو اوپر آیات ہم نے پڑھی ہیں قرآن مجید کی، ان کے اندر آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں مسلسل تعلیم حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور تعلیم کو ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے. تو وہ تعلیم کے ذریعے ہم کو صحیح معنوں میں اشرف المخلوقات کے درجے پر پہنچانا چاہتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں کہ جن کے علم سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، جن کی ابھی جو ہم نے پڑھا ہے اس پڑھنے سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں علم کو حاصل کرنے کی کس قدر اہمیت ہے. ان تمام معلومات کو اپنے مطابق اگر ہم حاصل کریں تو ہم دین میں دنیا میں بھی بھلائیاں حاصل کر سکیں گے اور آخرت میں بھی بھلائیاں حاصل کر سکیں گے. انہی سب اصول کے تحت حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں جو خاص بات رکھی گئی تھی، جیسا کہ کلام پاک کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمُ الْأَسْمَاءُ الْكُلُّهَا، کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بتا دیں. تو پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے واضح انداز سے فرمایا ہے کہ اس کا مفہوم ملتا ہے کہ بھئی کہ حکمت جو ہے وہ ایک خزانہ ہے، جو عقل ہے، دانائی ہے، وہ ایک خزانہ ہے کہ جہاں سے بھی ملے انسان اس کو حاصل کر لے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو جا وجہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم کی ہی بنیاد پر مسلمانوں نے ترقی حاصل کی ہے، اور جنہوں نے علم کو ٹھکرا دیا، علم کو چھوڑ دیا تو وہ تباہ و برباد ہو گئی وہ قومیں. تو اب کتاب کے اندر اس حوالے سے کیا باتیں منقول ہیں تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اپنی اپنی بکس کھول کے سامنے رکھیے بیٹا، میں ٹائم دے رہا ہوں آپ کو. اپنی اپنی بکس جس کے پاس نہیں ہے وہ کھول کے سامنے رکھ لیجئے، پیج نمبر 105. تو علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو کہ اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ یعنی اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا.
तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी तरह इरशाद है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमी, यानी इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, इसलिए कि मुसलमानों पर लाजिम है कि वो तलब इल्म में कोताही ना करें। अब इल्म की अहमियत क्या है? इंसान जमीन पर अल्लाह ताला का खलीफा और नायब है, खलीफा तो लिल्लाह फिल अर्ज है, उसे इल्म ही की वजह से बाकी मखलूकात पर यह फजीलत हासिल है, और इल्म ही की वजह से फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। इससे वाज़े हुआ कि इल्म इंसान के लिए अजमत की बुनियाद है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो फरिश्तों ने कहा, या रब्बुल आलमीन, ये तो तूने मखलूक बनाई है, दुनिया में जाकर फसाद बर्पा करेगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये मेरी सबसे अहसन तख्लीक है, सबसे अच्छी मेरी तख्लीक है। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ बातें सिखाई, फिर फरिश्तों से पूछा उन बातों के बारे में, तो फरिश्तों ने इनकार किया कि हमें नहीं मालूम। फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीजों का जवाब दिया, जिसके बाद इल्म की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर जो है बरतरी हासिल हुई, और फिर फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया। तो इससे वाज़े होता है कि इंसान इल्म के लिए, इल्म जो है वो इंसान के लिए अजमत की बुनियाद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि यानी मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इल्म में इजाफे के लिए अक्सर दुआ फरमाया करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, जिसका मतलब है कि अल्लाह ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अब उसके बाद अहद रिसालत में अशात इल्म, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इल्म की अशात किस तरह से की गई, तो इल्म की अशात के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिशों का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गज़वा बदर के बाद जो काफिर कैदी आजाद होने के लिए फिदिया ना दे सके, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 10-10 मुसलमान बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को भी इल्म हासिल करने की ताकीद फरमाई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलब इल्म हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इल्म व हिकमत मोमिन की मताए गुमगुश्ता है, जहां से मुयस्सर हो हासिल करने की कोशिश करो, क्योंकि उसी की क्योंकि वही उसका सबसे ज्यादा हकदार है। अब हुसूल इल्म की अहमियत क्या है, इल्म हासिल करने की क्या अहमियत है, उसको हम पढ़ते हैं कि मुसलमान को इल्म की तरफ सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि कुरान ने दीन के बुनियादी अहकामात के साथ साथ दुनियावी फलसफे, तारीख, गजा और गजा की नस्बत और साइंसी उलूम पर गौर व फिक्र की भी दावत दी है, इसके हलाल भी इस्लाम का तकाजा है, इसलिए मोमिन को माशी उलूम फनून से भी गाफिल नहीं होना चाहिए। बंदे मोमिन की इबादत का मकसद तकवा और रज़ाए इलाही का हुसूल है। कुरान में इरशाद होता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से अहले इल्म ही अल्लाह से सबसे ज्यादा डरते हैं। और ये भी जरूरी है कि जो इल्म हासिल हुआ है उसे आगे फैलाया जाए, दिए से दिए को जलाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आयतन, यानी मुझसे एक आयत भी सुनो तो उसे आगे पहुंचा दो, उसकी तबलीग करो। इसी तरह आखिरी हज के मौके पर, हिज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, फलयुबल्लिगु शाहिदुल गाइब, यानी जो हाजिर है वो उस तक मेरी ये तालीमात पहुंचा दे जो यहां मौजूद नहीं है। और फिर हुसूल इल्म के लिए उम्र की भी कोई कैद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की गोद से लेकर माँ की गोद से उतरने से लेकर हुसूल इल्म का माँ की गोद से लेकर कब्र तक हुसूल इल्म का अमल जारी रखने की हिदायत फरमाई है। तो इरशाद होता है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहदी, के माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ये भी फरमाया कि मोमिन इल्म से कभी सैर नहीं होता, कभी यानी ये नहीं समझता कि मुझे मुकम्मल इल्म हासिल हो गया,
बल्कि वो इल्म की तलाश में लगा रहता है हत्ता कि जन्नत में पहुंच जाता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशतर अहादीस हैं कि जिनके जरिए हमें इल्म की अहमियत का अंदाजा होता है, कि जैसे एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। अब ये चीन की मिसाल यहाँ पे क्यों रखी गई है, तो इसकी वजाहत करता चलूं कि पहले जमाने में कि जब ना हवाई जहाज होते थे, ना कोई तेज रफ्तार ट्रेनें होती थी, ना जनाब कोई इस तरह के तेज रफ्तार गाड़ियां होती थी सफर करने के लिए, ना कोई तेज रफ्तार इस तरह की कश्तियां वगैरह जो क्रूज होती हैं, स्टीमर्स होती हैं, ना वो हुआ करती थी। तो उस जमाने में जो सफर होता था वो कश्तियों के जरिए होता था, और हाथ से बनाई हुई जो कश्तियां हैं उन्हीं के जरिए सफर किया जाता था। और वो जो आपने देखा होगा पुराने जमाने की कश्तियां, आज भी आपको शायद दरियाओं वगैरह में मिले कि जो चप्पू के जरिए वो हैंडल एक होता है उसको हाथ से चलाना पड़ता है और उससे कश्ती को आगे चलाया जाता है। तो इस तरह से पहले जमाने में सफर किया जाता था, और अरब से लेकर चीन का जो सफर था वो कमोबेश 2 साल लगते थे जाने और आने में। यानी सबसे लंबा सफर अरब से अगर किसी का था तो वो चीन का था, कि 2 साल का अरसा जाने और आने में लगता था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इसी तरह एक सहाबी का वाकया मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद का जमाना था, तो उनको एक हदीस जो है उसके अल्फाज सही से याद नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने पता किया कि भाई इसके सही अल्फाज क्या थे, काफी कोशिश की लेकिन उनको याद ना आया। फिर उन्होंने अंदाजा किया कि भाई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान फरमाई थी तो कौन कौन सहाबी मौजूद थे। तो फिर पता लगा फला फला सहाबी मौजूद थे, तो फिर सोचा कि उनमें से पता लगाया कौन कौन इस वक्त हयात हैं, तो पता लगा कि फला सहाबी हैं जो इस वक्त हयात हैं। तो आप उनके घर उनसे मिलने के लिए निकल पड़े, हालांकि वो काफी दूर किसी शहर में रहते थे। तो आपने सफर किया और सफर करके काफी महीनों का सफर करने के बाद उन सहाबी के घर तक पहुंचे, और उसके बाद दरवाजा खटखटाया, वो सहाबी बाहर आए और फरमाया कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हदीस फरमाई थी आप वहां मौजूद थे? तो कहा हाँ मैं मौजूद था। तो कंफर्म किया कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज बयान फरमाए थे हदीस के अंदर? तो उन्होंने कन्फर्म किया हाँ बिल्कुल रसूलुल्लाह ने यही अल्फाज जो है वो बयान फरमाए थे। तो बस उन्होंने ये बात पता की और वापस अपने मुल्क रवाना हो गए। आप देखिए कि सिर्फ एक हदीस के अल्फाज सही मालूम करने के लिए, एक हदीस का इल्म हासिल करने के लिए वो कितनी दूर से महीनों की मशक्कत उठा के सफर करके वो दूसरे शहर गए, और भी उसके बाद वहां से वापस सिर्फ इल्म हासिल किया, उस हदीस की कंफर्मेशन की, और उसके बाद वापस अपने शहर आ गए। तो ये रसूलुल्लाह के सहाबाए किराम की इल्म से मोहब्बत की मिसालें हैं। इसी तरह तारीख के अंदर बेशुमार मिसालें मिलती हैं कि जहां पर सहाबाए किराम ने इल्म की अहमियत पे जोर दिया, आपने खुद इल्म हासिल किया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस मिलती हैं कि जिसके अंदर आपने इल्म के हासिल करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया। अब अगला टॉपिक है हमारा इल्म की फजीलत। अभी तक तो इल्म की अहमियत के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो इल्म की अजमत और सरबुलंदी, इल्म जो है वो अजमत और सरबुलंदी का जरिया है। जेवर इल्म से आरास्ता लोग अल्लाह के ज्यादा मुकर्रब होते हैं। अल्लाह के नजदीक आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। तो कुरान मजीद में इरशाद है कि क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते क्या वो बराबर हो सकते हैं? तो जो लोग नूर ईमान से मुनव्वर होकर इल्म से काम लेते हैं उनके बारे में फरमाया यरफ़ाउल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्मा दरजा, यानी तुम में से जो लोग ईमान लाए और जिन्हें इल्म दिया गया अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाएगा। इसी तरह एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो वहां 2 मजलिसें हो रही थी, 2 महफिलें सहाबा किराम की लगी हुई थी, एक हलका जिक्र का था और दूसरा हलका इल्म। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तारीफ की और फिर इल्म की मजलिस में शरीक हो गए और फरमाया कि ये पहली मजलिस से बेहतर है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत की फुलवारियों से गुजरो तो इनसे जी भर कर फायदा उठाया करो। सहाबा किराम अलैहि रिदवान ने पूछा या रसूलुल्लाह जन्नत की फुलवारियां क्या है? तो आपने फरमाया इल्म की मजलिसें, कि जहां पे लोग बैठकर इल्म हासिल करते हैं ग्रुप्स की शक्ल में।
तो मुंदरिया ज़ेल चंद रिवायात से इल्म की अहमियत यूं वाज़े होती है कि इल्म हासिल करो, अल्लाह के लिए इल्म कर हासिल करना नेकी है, कि अल्लाह की रजा के लिए आप इल्म हासिल करें कि मैं इल्म हासिल करूंगा तो अल्लाह ताला मुझसे राजी होगा, मैं इल्म हासिल करूंगा तो मैं अपनी इसलाह भी कर सकूंगा, इल्म हासिल करूंगा तो अपने घर वालों की भी इसलाह कर सकूंगा, दूसरे लोगों को फायदा पहुंचा सकूंगा, अपने भी हालात बेहतर कर सकूंगा, अपनी जिंदगी भी इल्म पर चल के गुजार सकूंगा। तो इसीलिए इल्म की तलब जो है वह इबादत है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी को इल्म सिखाते हैं तो ये सदका जारिया है, क्योंकि आपका सिखाया हुआ इल्म, चाहे आप किसी को एक लाइन भी पढ़ना सिखा देंगे ना, अगर आप कुरान का एक लफ्ज भी किसी को सही से पढ़ना सिखा देंगे, तो जब जब वो इंसान अपने कुरान शरीफ को पढ़ेगा, चाहे आप जिंदा हो या आपका इंतकाल हो जाए, आपके मरने के बाद भी उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। तो जब जब वो शख्स जिसको आपने कुरान पढ़ना सिखाया है, या कोई एक लफ्ज भी अगर वो गलत पढ़ता था, आपने उसको सही पढ़ना सिखा दिया, तो जब जब वो शख्स कुरान पाक खोलेगा, तिलावत करेगा, उसका सवाब उसके साथ साथ आपको भी मिलता रहेगा। और यही नहीं बल्कि ये काम सदका जारिया है कि अगर आप मर भी गए तो आपके मरने के बाद भी इसका सवाब आपको बराबर मिलता रहेगा। तो इल्म, इसीलिए इल्म हासिल करना इबादत है। इसमें मसरूफ रहना, तस्बीह और बहस मुबाहसा करना जिहाद है। तो इल्म सिखाओ तो सदका है, और इल्म तन्हाई का साथी है, फराखी और तंगदस्ती में रहनुमा है। यानी जब इंसान कभी तंगदस्त हो जाता है, हालात से मजबूर हो जाता है, तो वो पढ़ा कर या जो है कुछ किताबें लिखकर या कुछ इस तरह के फन पारे वगैरह बनाकर, आर्टिस्टिक वर्क वगैरह करके, जब उसको इल्म होगा तो वो ये काम करके मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना गुजारा कर सकता है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी गुजर बसर वो कर सकता है। तो लिहाजा गमख्वार दोस्त है और बेहतरीन हमनशी है। तो इल्म जन्नत का रास्ता बताता है, और अल्लाह ताला इल्म ही के जरिए कौमों को सरबुलंदी अता फरमाता है। लोग उलमा के नक्शे कदम पर चलते हैं और दुनिया की हर चीज उनके लिए दुआए मगफरत करती है, क्योंकि इल्म दिलों की जिंदगी है और अंधों के लिए बिनाई है। और इल्म जिस्म की तवानाई और कुव्वत है, और इल्म ही के जरिए इंसान फरिश्तों के आला दर्जात तक जा पहुंचता है। तो इल्म में गौर व खौस करना रोजे के बराबर है। इल्म ही के जरिए अल्लाह ताला की सही अतात और इबादत की जा सकती है। इल्म से इंसान मारफत इलाही हासिल करता है, और इसी की बदौलत इंसान अल्लाह और उसके बंदों के हुकूक अदा कर सकता है। जब उसको इल्म होगा, जब वो इल्म हासिल करेगा, तभी तो उसको पता होगा कि मेरे माँ बाप के क्या हुकूक हैं, मेरे भाई बहन के क्या हुकूक हैं, मेरे जो घर वाले हैं, मेरे पड़ोसी हैं, उनके क्या हुकूक हैं। और इल्म हासिल करना जो फर्ज करार दिया गया है ना बच्चों, इल्म हासिल करना फर्ज का मतलब ये नहीं है कि आपको आलिम दीन ही बनना है, आपको अल्लामा बन जाना है, नहीं। हाँ, अगर आप बनते हैं आलिम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना इल्म कि जिसके जरिए कम से कम आप अपनी इसलाह कर सकें, अपने घर वालों की इसलाह कर सकें, आपको ये पता हो कि क्या चीज हलाल है, क्या चीज हराम है, क्या चीज मेरे लिए जायज है, क्या चीज नाजायज है, किन जरियों से रोजी कमाना हलाल है, किन जरियों से रोजी कमाना हराम है, और मेरे माँ बाप के क्या हकूक हैं, मुझे माँ बाप से किस तरह बर्ताव करना है, मुझे अगर मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनसे किस तरह का सलूक करना है, इसी तरह से अगर छोटे हैं तो छोटों के साथ किस तरह का सलूक करना है। बहसित मुसलमान जो 5 फराइज हैं हमारे, हमें उनके बारे में अच्छी तरह से आगही हासिल होनी चाहिए कि दिन में 5 मर्तबा फर्ज है नमाज, तो नमाज किस तरह पढ़नी चाहिए, नमाज के अंदर क्या क्या फराइज हैं, क्या क्या वाजिबात हैं, किन चीजों से नमाज टूट जाती है और किन चीजों से नमाज जो है वो खराब होती है, नमाज का सवाब कम हो जाता है, वजू जो है किस तरह से किया जाता है, वजू के क्या क्या फराइज हैं, वजू के क्या क्या वाजिबात हैं, किन चीजों के खाली रह जाने से वजू नहीं होता, गुस्ल के क्या फराइज हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे पास पैसा है तो हमें हज अदा करना है, जो है वो क्या क्या उसके मनासिक हैं, क्या क्या उसमें हम तो अरकान अदा करने होते हैं, किन अरकान को अदा ना करने की वजह से हज अदा नहीं होता। इसी तरह से जकात, जो कि साल में हम पर 1 मरतबा 2.5% फर्ज है, वो भी अगर हम साहिब निसाब हों तो निसाब की रकम क्या है और हमें किस तरह से जकात निकालनी है, जकात का माल किन लोगों पर खर्च किया जा सकता है, किन लोगों को जकात नहीं दी जा सकती, ये सारा इल्म हमें होना चाहिए। इसी तरह से साल में 1 मरतबा 1 महीने के लिए जब हम पर रोजे फर्ज होते हैं, उन फर्ज रोजों के क्या क्या
احکامات ہیں, روزوں کے اندر کیا کیا پابندیاں ہیں, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کن چیزوں سے روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, کن چیزوں سے روزے کی نورانیت کم ہوتی ہے, کن حالات کے اندر جو ہے وہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے, طبیعت کی خرابی کی صورت کے اندر آپ کو کون سی ایسی کنڈیشن ہے کہ جب آپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے اور موت کے قریب ہو جائے اس صورت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے. تو یہ سارے علم آپ کو حاصل ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان. تو یہی وہ علم ہے جس کو حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. تو اسی طرح علم جو ہے وہ ایک پیش رو اور رہبر ہے, اور عمل اس کے تابع ہوتا ہے کہ جو علم ہمیں ہوگا وہی کام ہم کریں گے, جس چیز کا علم نہیں ہوگا وہ کام ہم نہیں کر سکتے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں, اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں. تو اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملیں انہیں حاصل کر لو. تو علم کی فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا ہے جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی. اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے, اور علمی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے تھے. مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہو گئے تو زوال کا شکار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ صبح شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہم انی اسألوک علما نافعا, کہ یعنی اے اللہ مجھے تجھ سے علم نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں. کہ اللہ علم تو عطا فرمائے لیکن وہ علم ہمارے لیے فائدے بخش ہو, ہمارے اندر غرور پیدا نہ ہو جائے کہ ہم بہت علم والے ہیں, ہمیں بہت زیادہ علم ہے, بلکہ ہمارے اندر عاجزی پیدا کر دے, وہ ایسا علم ہو جس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں, دوسروں کو اس سے ہم روشناس کرا سکیں. تو اسی طرح سے یہ بھی مسنون دعا ہے, اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اسے ہمارے لیے مفید یعنی فائدہ مند بنا, اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے, ہمیں فائدہ پہنچائے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم عطا فرما اور اس پر چلنے, اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے. اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ سوال موجود ہیں بچوں. پہلا سوال ہے کہ قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کیجئے, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ آیات کا مفہوم بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. دوسرا سوال ہے کہ احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں, یہ بھی میں آپ کو کروا چکا ہوں. تیسرا سوال ہے حدیث قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت بیان کیجئے, تو یہ بھی آج کے اس ٹاپک کے اندر الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, تو کسی کو کوئی سوال ہے پوچھنا ہے بچوں, کسی کو کچھ سوال پوچھنا ہے؟ نو سر, نو سر.